काला अष्टमी के दिन भगवान शिव के रौद्र रूप की पूजा करने का विधान है। इस दिन अगर कुछ वस्तु का दान करी जाए तो भैरव महाराज प्रसन्न होते। आइए पंडित जी से जानते हैं। काला अष्टमी ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी काला अष्टमी कहती है। काला अष्टमी भैरव महाराज समर्पित अष्टमी है। विशेष भैरव महाराज का इसमें महत्व होता है। इस दिन भगवान भैरव की उपासना करना चाहिए। जो भैरव की उपासना करते हैं उनके मनोरथ सिद्ध होते हैं। इस दिन भगवान भैरव महाराज को चोला अर्पण करना चाहिए, काले उड़द अर्पण करना चाहिए। काले उड़द से शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। काले उड़द के साथ में तेल अर्पण करना चाहिए, इसका दान करना चाहिए और काले वस्त्र दान करना चाहिए। यह दान भगवान भैरव और शनि महाराज को प्रसन्न करते हैं, जिससे प्रेम विवाह भी श्रेष्ठ होता है और इसमें जो शादीशुदा लोग हैं, जो गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके प्रेम में भी वृद्धि होती है। काला अष्टमी के दिन किसी जरूरतमंद को जूते काले वस्त्र दान कर सकते हैं। ऐसा करने से भगवान भोलेनाथ, राहु, केतु और शनि और भैरव महाराज, इन सबकी कृपा प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की भी इसमें उपासना की जाती है। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान को कालाष्टमी का व्रत करने के पश्चात चावल अर्पण करने से लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होती है और कालाष्टमी भगवान भैरव महाराज को प्रसन्न करने के लिए एक उत्तम दिवस माना गया है। इस बार कालाष्टमी 30 मई को हम सभी को प्राप्त हो रही है। सभी मिलकर के भगवान भैरव महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए कालाष्टमी का व्रत करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें।